नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव राजपूत। आई एम डूइंग बीएमएस फ्रॉम आईएमएस। आप देख रहे हैं द आयुर्वेदिक हब। ये मेरा पहला वीडियो है। तो कहते हैं कोई काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपके जीवन में मिठास। तो चलिए शुरू करते हैं द कोरोना पैंडेमिक। आज हम सब जानते हैं कि देश से बड़ी से बड़ी कंट्री, बड़े से बड़े डॉक्टर, इवन बड़े से बड़े साइंटिस्ट कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस एक नया वायरस है, इसीलिए इसकी वैक्सीन बनाना कोई सौखा काम नहीं। डॉक्टर्स एवं साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। इवन माय इंस्टीट्यूट इज वर्किंग ऑन इट। वेट अ मिनट। पर कोरोना वायरस हो या कोई और वायरल, फंगल, बैक्टीरियल डिजीज, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वी हैव बेटर प्रोबेबिलिटी टू ओवरकम इट। पर इन 21st सेंचुरी हमारा ध्यान गोलगप्पों पे तो रहता है, पर हमारे इम्यून सिस्टम पे नहीं, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दो रास्ते हैं, पहला केमिकल से भरा हुआ, दूसरा प्योर नेचुरल आयुर्वेदिक। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों का निवारण करना। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद कैसे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आयुर्वेद से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। काली मिर्च से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। हल्दी का दूध पीने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अदरक की चाय पीने से भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लहसुन को खाली पेट सुबह लेने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं काढ़ा। गिलोय का काढ़ा सर्वश्रेष्ठ है, इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तुलसी की चाय या तुलसी का काढ़ा हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभदायक है, इसे नियमित सेवन करना चाहिए। आंवले का जूस हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में सर्वश्रेष्ठ है। एलोवेरा का जूस भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है। अब बात करते हैं हम योगासन की। आजकल का खान पान बिगड़ गया है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, इसलिए हमें नियमित योगासन करने चाहिए, जो कुछ इस प्रकार हैं। सूर्य नमस्कार, इसमें 12 आसन होते हैं, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ब्राह्मी प्राणायाम, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, इसका नियमित करना चाहिए। अनुलोम विलोम से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से इम्यूनिटी बढ़ाने के असरदार एवं घरेलू नुस्खे बताए फॉर COVID-19। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।